हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिंबल। ES6 में सिंबल क्या होते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके यूज केस देखने वाले हैं कि क्या इसका यूज होता है। ठीक है, तो सिंबल जो होता है वो प्रिमेटिव वैल्यूज होते हैं, जैसे कि हमारा नंबर हो गया है, स्ट्रिंग हो गई है, फ्लोटिंग नंबर हो गया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारा एक प्रिमेटिव टाइप होता है, लेकिन ये यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू हमें देता है। ठीक है, एक बार जो हमारा सिंबल बन गया है कोई भी, वो दूसरी बार जब हम सिंबल क्रिएट करेंगे तो वो उससे मैच नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रिमेटिव लेके दिखा देता हूँ इंटीजर का, 5। ये एक प्रिमेटिव ले लिया मैंने, लेट y इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे इनको चेक करता हूँ इक्वल के लिए, x इक्वल टू y। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंबल प्रिमिटिव टाइप सिंबल बनाता हूँ ऐसे, लेट x इक्वल टू एस वाई एम बी ओल सिंबल, इस तरह से ये बनेगा। देखिए, ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, अगर आप यहाँ पे इस तरह से न्यू लगाएंगे तो ये एरर दे देगा। ये क्या बोलेगा, x ऑलरेडी डिफाइन है x, तो हम यहाँ पे a ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि सिंबल इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर, तो इसको न्यू नहीं ले सकते हैं, एक फंक्शन की तरह ये फंक्शन भी नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ये इंटरनली फंक्शन हो सकता है लाइब्रेरी का, जेएस का, लेकिन हमने कुछ इस तरह से फंक्शन नहीं बनाया है। तो ये इस तरह से हम बनाते हैं इसको, मैं जाता हूँ यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग ए, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया। अब इसमें देखिए, ये यहाँ पे हम कोई वैल्यू लें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5। ठीक, तो ये ऑप्शनल है, हम ले भी सकते हैं, इसको वैल्यू भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं सिंबल का। इसी तरह से मैं ले रहा हूं लेट बी सिंबल। ठीक है, यहां पे भी मैंने ले लिया 5। अब इसको इक्वल टू बी करता हूं अगर मैं, तो देखिए फॉल्स आ रहा है। ठीक है, फॉल्स, यहां पे क्या आ रहा था ऊपर, ट्रू, जहां पे हमने प्रिमिटिव टाइप इंटीजर प्रिमिटिव टाइप लिया और यहाँ पे सिंबल लिया, तो यहाँ फॉल्स आया। मतलब सिंबल जब भी हम क्रिएट करेंगे वो हमेशा यूनिक ही होगा। ठीक है, अभी मैं अगर इनकी वैल्यू भी हटा दूं यहां से, यहाँ पे लेता हूं, देखिए तो भी फॉल्स है। ठीक है, तो यूनिक ही ये हमारा होगा। ठीक है, तो यूनिक की जनरेशन के लिए और डिबगिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहला यूज केस तो इसका ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिस इज फर्स्ट इस तरह से मैं लूँ और इसे डिबगिंग के लिए यूज करूँ, कहीं भी कंसोल करा दूँ, ठीक है, तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा यूनिकली, हर टाइम हर बार यूनिक मिलता है। ठीक, एक तो यूज केस इसका ये था। फिर हम क्या चाहते हैं इसके, कि हम इसका शेयरिंग सिंबल भी हम यूज करें, कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली है वो इससे मैच भी करे, ए की कोई वैल्यू है बी से मैच भी करे और कहीं पे उसको गेट करके यूज भी कर लें, तो शेयरिंग सिंबल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो शेयरिंग सिंबल के लिए देखते हैं लेट एक्स, तो शेयरिंग सिंबल को डिफाइन करने का जो हमारा तरीका है वो अलग है, उसको करते हैं एस वाई एम बी ओ एल सिंबल डॉट फोर। ठीक है, सिंबल डॉट फोर इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दे दी राम और यहाँ पे लेट वाई इक्वल टू एस वाई एम बी ओ एल सिंबल डॉट फोर, यहाँ पे भी मैंने दी इसकी वैल्यू राम। अब देखिए, सिंबल जो था हमारा प्रिमिटिव टाइप वो नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने शेयरिंग ली इसकी सिंबल की, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको x इक्वल टू वाई। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए ट्रू मिल गया। जब भी हम सिंबल डॉट फोर इस तरह से शेयरिंग के लिए यूज कर रहे हैं इसका, तो हमें एज ए वैल्यू, जैसे हमने आइडेंटिफायर जो हमने इंटीजर के लिए यूज किया था उसकी तरह से ही यूज हो जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू भी निकालनी है। अगर मैं इस तरह से लूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सिंबल राम। अब मुझे राम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सिंबल डॉट, यहाँ पे होता है की फोर। की फोर में जो ये वेरिएबल था, ये वेरिएबल एक्स अगर हम यहाँ पे पास कर दें इस तरह से, और मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए राम मिल गया। इस तरह से इसकी वैल्यू भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये है शेयरिंग ऑफ सिंबल, सिंबल की शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसका यूज केस मैं आपको एक दिखाता हूं, एक और, यहां पे मैं गया लेट
एक्स, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट में मैंने किया लेट एक्स, और एक्स में मैं यहां पे रखता हूं, मैं यहां पे कुछ पर्सन, इस तरह से पर्सन ले लेता हूं, पर्सन होंगे मल्टीपल पर्सन, ठीक है। पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया यहां पे, और यहां पे मैं देता हूं आपको पर्सन, एक पर्सन मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक है। मैं इसको इसी ऑब्जेक्ट में ले लेता हूं, यहां से जाता हूं, यहीं पे ले लेता हूं पर्सन। पर्सन पहला पर्सन क्या होगा मेरा, स्टूडेंट। एक पर्सन मैंने यहां पे ले लिया पर्सन। दूसरा पर्सन क्या होगा मेरा, यहां पे ले लिया मैंने इंप्लॉई, ठीक है। तीसरा मैंने ले लिया डीएससी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डेटा डिटेल, कोई मैसेज मैंने इस तरह से मैसेज कोई भी दे दूंगा। तो मेरे पास तीन की हैं यहाँ पे, पर्सन स्टूडेंट, दूसरा पर्सन एम्प्लॉय, तीसरा डिस्क्रिप्शन। अब देखिए मैं इसको कंसोल कराता हूं, तो जब भी ऑब्जेक्ट में हमारी यहाँ पे दो की हैं पर्सन पर्सन की, तो एक यहां से रिमूव हो जाएगी। देखिए लास्ट वाला जो है पर्सन एम्प्लॉय वो रह गया है, ठीक। तो सिंबल क्या करता है, मैंने कहा कि सिंबल तो हम यूनिकली जनरेट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू सिंबल, और यहां पे मैंने दे दिया पर्सन, ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं एक यहां पे जाता हूं वाई, इस तरह से। अब मैं यहां पर इस पर्सन की जगह पे, देखिए पर्सन पर्सन दो सिंबल बनाए एक्स वाई मैंने पर्सन से, यहां पे एक्स में पास कर देता हूं, और यहां पे पास करता हूं वाई। अब देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए यहां पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद सिंबल पर्सन वन पे स्टूडेंट, सिंबल पर्सन टू जो है मेरा ये हो गया है एम्प्लॉय, ठीक। तो इस तरह देखिए ये यूनिक होता है तो हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इससे क्या करता हूं कि इसकी जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज होती है उसको कीज निकालनी है मुझे। इसकी कीज क्या है, एक तो ये एक्स वाला सिंबल है, एक वाई वाला सिंबल है, एक डिस्क्रिप्शन है। अब मुझे ऑब्जेक्ट डॉट कीज से कीज निकालनी है कि इसके अंदर क्या क्या कीज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और कीज में मैंने पास कर दिया पर्सन्स, ठीक है। मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, ऑब्जेक्ट इज नॉट, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, बिकॉज मैंने स्मॉल में ले लिया, ऑब्जेक्ट होता कैप्स में, कैपिटल में। देखिए तो यहां पे देखिए तीन की थी, जैसे ही मैंने यहां पे लिया की क्या थी, एक्स एंड वाई। तो जब हम ऑब्जेक्ट डॉट की से इसकी की निकालते हैं तो वो इसका पार्ट नहीं होता है, सिंबल वाली जो की है इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा, एक हमारे पास फोर इन लूप होता है, लेट जी इन पर्सन पर्सन, यहां पे मैं कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग डॉट जी, और यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाली की मिल रही है यहां पे भी, यहां भी हमारा सिंबल इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक। एक और अभी मैं आपको इसका यूज केस बताऊंगा कि किस तरह से ये हमें हेल्प करता है डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करें, वो कैसे करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंगीफाई इस फंक्शन में हम इसे रखते हैं, पर्सन को ये रखा। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहां भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है जेसन में चेंज हो गया, तो इससे हमारा क्या हट गया है, ये जो सिंबल वाली की थी ये हट गई है। तो सिंबल वाली की ना तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज का पार्ट होती है, ना ही फोर इन लूप का पार्ट होती है, ना ही जब हम जेसन में, जेसन जो हमारा है स्ट्रिंगीफाई कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को जेसन में, ठीक है, ना ही तब इसका पार्ट होती है। तो इससे हमारा यूज क्या होता है, मान लीजिए हमने कभी क्या किया है, यहाँ पे कोई हम अपना सिंबल रखते हैं, ठीक, और हमें लूप में चलाना है, हमें वो की नहीं लेनी, पर ये जो की हम भेज रहे हैं यहां से, इनका हमें यूज करना है, इनका हमें यूज करना है। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट में सारी चीजें रख सकते हैं सिंबल बना के,
और जो हमें लूप में चाहिए वो लूप में आ जाएगा, और जो की हमें लूप में नहीं चाहिए वो एज ए सिंबल हम रखेंगे, वो हमें लूप में नहीं आएंगी। ठीक है, उन्हें हम किस तरह से यूज कर लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे यूज किया था, पर्संस एक्स, इस तरह से हम उसको यूज कर लेंगे, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये यूज केस होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो मैंने आपको यूज केसेस बता दिए हैं इसके, कि यूनिकली आइडेंटिफी, यूनिकली जैसे यूनिक नंबर होता है इस तरह से, और डिबगिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जो हमारे डुप्लीकेशन होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में की डुप्लीकेट रखनी है तो हम सिंबल का यूज करके हम पर्सन जिस तरह से मैंने बनाया ऐसे रख सकते हैं। ठीक, तो ये सब इसका यूज केस होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिंबल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।